जय श्री आराम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, जिसे हम भैया दूज या भाई दूज के रूप में मनाते हैं, एक बहुत ही पवित्र और सनातन धर्म का बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है। यह भाई बहन का त्यौहार है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन होता है, उसी प्रकार से यह त्यौहार भी भाई बहन के आपसी मेल और आपसी प्यार को बढ़ाता है और भाई और बहन दोनों के ही यश, बल, बुद्धि और धन में वृद्धि करता है और भाई की आयु को भी बढ़ाता है। दोस्तों, इस बार भाई दूज का त्यौहार 3 नवंबर 2024 दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है और बहन उसके भाई के माथे पर तिलक करती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। इसके बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उनका आपसी सामंजस्य बैठता है, उनका आपस में जो प्रेम होता है वह बढ़ता है। दोस्तों, एक विधि होती है तिलक करने की। आप लोग तिलक तो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आप विधि पूर्वक तिलक करते हैं? किस प्रकार से तिलक करना चाहिए और क्या करना चाहिए इस दिन कि आपको सही तरीके से तिलक करने के कारण लाभ मिल सके? दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि क्या विधि है तिलक करने की। दोस्तों, भाई दूज के दिन जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह विधि जिससे बहन अपने भाई के ललाट पर तिलक करे, जिससे पौराणिक तथ्यों के आधार पर इस प्रकार तिलक करने से भाई की आयु तो बढ़ती ही है, उसके अतिरिक्त उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके धन में, उसके बल में, आयु में और बुद्धि में भी वृद्धि होती है। कौन सी है वह विधि, आइए जानते हैं। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, जब भाई अपनी बहन के तिलक करवाने के लिए जाए तो बहन उसे सप्रेम घर के अंदर ले। उसके बाद जब तिलक का वारी आए, यानी कि जब शुभ मुहूर्त हो, भाई दूज वाले दिन जब शुभ मुहूर्त हो, तब तिलक करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। इस बार जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:22 तक के बीच में है। और फिर क्या करना है, बहन आटे से एक चौक बनाए और चौक बनाने के बाद उसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा या फिर चौकी रख दे और उस पर भाई को बिठाए। एक बात का ध्यान रखिए कि भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद बहन अपने भाई के सर पर फूल, पान का पत्ता, सुपारी और पैसे रख दे और उसके बाद अपने हाथ से तिलक करे। दोस्तों, इसके बाद बहन अपने भाई को मिठाई खिलाकर और एक पान अवश्य खिलाए। पान का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है दोस्तों इस दिन। पान खिलाने से भाई की आयु के साथ साथ उसके धन में भी वृद्धि होती है। और यहीं हम लोग यह नहीं जानते हैं कि बहुत से लोग पान नहीं खिलाते हैं, जबकि पान अवश्य खिलाना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद भाई और बहन, भाई अपनी बहन को कुछ उपहार अवश्य दे। उसके बाद बहन अपने भाई को अपने घर में भोजन अवश्य कराए। भोजन कराने के बाद वे बाहर किसी गरीब को या गरीबों को, जो भी आपको गरीब मिलता है, उसे यथाशक्ति दान दें और गरीब की सहायता करें। इससे आपके यश में वृद्धि होगी। उसके बाद बहन और भाई दोनों इस दिन गंगा यमुना स्नान अवश्य करें। दोस्तों, अगर संभव हो सके तो यमुना स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यमुना यमदेव की बहन है और यमुना स्नान करने से भाई की अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। संध्या समय पर आटे का बना हुआ एक चौमुखी दिया अपने द्वार पर अवश्य जलाएं। इसे यम दीपक भी बोलते हैं। इससे यमराज के यमपाश का भय भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।